सागर जब सूर्योदय होता है तब भगवा रंग होता है, जब सूर्योदय डूबता है तब भगवा रंग होता है। मेरा रंग है जीने का, तुम्हारा रंग है मारने का। तुमको पता क्या रंग रंग क्या होता है? रंग होता है जो जिंदगी के वसुधे को तुम जो सबको लेके चले। वो जब आया अंसारी जी के यहाँ, बोला ए, सुनो अंसारी जीत जाएगा तो मंदिर नहीं बनेगा, नरेंद्र मंडल को जीता। अरे पगला, तुमको क्या पता मंदिर कब बना? इतिहास का तो पता है नहीं इस पागल को। बौद्ध धर्म के पहले 83 साल पहले इस मुल्क में पहला मंदिर बना, बौद्ध धर्म के आने के पहले। ना अंसारी थे, ना कोई जोगी और भोगी, ना पप्पू अप्पू था। मंदिर बना था तो इंसानियत थी। मंदिर तब बना था जोगी जी, मंदिर मस्जिद अंसारी पप्पू और पप्पू झा नहीं बनाता। मंदिर और मस्जिद हमारी आस्था की चीजें हैं, वहां भी आपने हिंदू मियां किया। ये बेचारा मोदी जी, इनको कौन सा इतिहास है? तो बिहार आए तब वो झूठ बोल दिए, झारखंड आया तब वो झूठ बोल दिए। बोला नुंगी गंजी को देख लेना, नुंगी गंजी को समझ लेना, नुंगी गंजी को देख लेना समझ लेना। अरे मोदी जी, पत्ता पहनने के बाद पप्पू यादव का छरदादा छरदादा नुंगी गंजी पहना था। साउथ में भी नुंगी, पप्पू यादव के बाप को भी नुंगी, पप्पू यादव के दादे को धोती कुर्ता नुंगी, और साउथ में भी नुंगी और धोती कुर्ता। ये नुंगी मियां जी का नहीं है पत्रकार जी, ये नुंगी भारत की मिट्टी का है। जबरदस्ती मियां को मियां है नुंगी पहनता है, मियां है गरियाना है, हिंदू मियां करना है नुंगी। अब फिर क्या बोला अभी यहाँ पर ए, ए, दिल्ली में कौन सा मैदान है? रामलीला, ये लोग रामलीला है। रामलीला में बोला हम झंडा पकड़ाना सिखा दिए। अब मोदी जी, आपको तो कुछ पता है नहीं, इस दुनिया में, इस देश में सबसे पहला शासक विदुर बने, विदुर जो दलित थे, पहला शासक। बोल, चंद्रगुप्त के काल में हमने इतिहास शुरू की थी भारत की मिट्टी की। झंडा आज नहीं, आजाद हिंदुस्तान के पहले झंडा का इतिहास है मोदी। आपको गाली देना है, एनआरसी में आप फेल कर गए, कौन सा आपका इतिहास लिखा मोदी जी? अफगानिस्तान आपके मुल्क का हिस्सा नहीं था, अफगानिस्तान चंद्रगुप्त के काल में भारत का हिस्सा था। जब आपका बंटवारा हुआ था, सबसे पहले इस मुल्क में आजाद हिंदुस्तान के बाद यदि सबसे ज्यादा मुल्क के लोगों को मारा गया तो श्रीलंका में 1,62,000 तमिल को मारा गया, लगभग नेपाल में मधेशियों को मारा गया 63,000, 40,00,000 मधेशियों को लगातार टॉर्चर किए गए। बर्मा और भूटान में बौद्धिस्ट को मारा गया, म्यांमार में मारा गया। आपने श्रीलंका को छोड़ दिया, आप म्यांमार में छोड़ दिए, आप बर्मा को छोड़ दिए, अफगानिस्तान। बस मियां जी को टारगेट करना है अफगानिस्तान। इजराइल की भाषा बोलना बंद करिए मोदी जी। 30,00,000 लोग हमेशा आते हैं मेरे भारत में, जिनको मन होता है नागरिकता लेना लेते हैं, और 50,00,000 लोग हम कनाडा, दुबई, इंग्लैंड, लंदन में जाकर के पैसे वाले नागरिकता लेते हैं। आप बात करते क्या सीए, क्या है सीए, पता है आपको? सर नोटबंदी के तरह इसका हास क्यों होगा पूरा? 30 करोड़ लोगों के पास इस मुल्क में जमीन नहीं है, 8,36,00,000 अनुसूचित जनजाति के पास कोई जमीन, कोई कागज और कोई घर नहीं है, 8,36,00,000। और 15 करोड़ घुमंतू जाति है जिसके पास कोई कागज नहीं है, लोहारा, नट, भट, बंजारा, जिसके